जय श्री कृष्णा। सभी का स्वागत है एक नए विषय के साथ में। सभी को राधे राधे, नमस्कार, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप लोग सभी लोग जो है कोई ना कोई किसी न किसी इष्ट देव की पूजा करते हैं, किसी न किसी देवता की, भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। कोई मंदिर जाके करता है, कोई खुद के घर में देवालय बना के करता है, और भगवान की, अपने इष्ट देवता की, जो भी जिनको भी मानते हैं, सभी लोग पूजा अर्चना अवश्य करते हैं शुद्धता के साथ में। पर जो भी जिस प्रकार से स्तुति हो पाती है, प्रत्येक व्यक्ति, माँ बहनें बेटियाँ सभी लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, और जो भी बन पड़ता है भोग प्रसाद बना करके बाजार से लाके, जैसे भी होता है, जैसे भी व्यवस्था होती है, भगवान को अर्पित किया जाता है। तो क्या कभी आपने सोचा है कि भगवान भोग प्रसाद जो हम लोग चढ़ाते हैं वो ग्रहण करते हैं, खाते हैं, इस बारे में कभी किसी ने सोचा है, किसी ने चिंतन किया है इस विषय पर? क्या भगवान हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग प्रसाद ग्रहण करते हैं या उसे खाते हैं? यदि वो खाते हैं तो वो वस्तु समाप्त क्यों नहीं होती? वो वैसे की वैसी क्यों रह जाती है, रखी रहती है? और यदि नहीं खाते हैं तो भोग लगाने का क्या लाभ है? तो दोस्तों, आइए एक छोटे से वृत्तांत के साथ में। एक गुरुजी ने अपने एक शिष्य को इस चीज़ को बहुत ही बारीकी से और बड़े अच्छे से समझाया था। उसी वृत्तांत से हम लोग भी समझते हैं इस चीज़ को। एक समय एक युवा शिष्य ने, पाठ के बीच में पाठ चल रहा था, गुरुजी प्रवचन दे रहे थे, उपदेश दे रहे थे, पाठ चल रहा था, उसके बीच में एक युवा शिष्य ने पाठ के बीच में अपने गुरु से ये प्रश्न किया कि गुरुजी, भगवान को हमारे द्वारा चढ़ाया गया भोग जो है वो भगवान खाते हैं नहीं खाते हैं, इसका मेरे को आप विस्तार से बताइए, मुझे कुछ इसमें क्लियर नहीं है, बात मेरे समझ में नहीं आ रही। इस पर गुरु जी ने तो तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया, वे पूर्वतः पाठ पढ़ते रहे, पढ़ाते रहे। उस दिन उन्होंने पाठ के अंत में एक श्लोक पढ़ाया सभी को, और श्लोक इस प्रकार था, पूर्णस्य पूर्णमाद्याय पूर्णमेवावशिष्यते। ये श्लोक पढ़ा के पाठ पूरा होने के तत्पश्चात गुरुजी ने शिष्य से कहा कि वे पुस्तक देखकर श्लोक को कंठस्थ याद कर लें। और ये कह के गुरुजी वहाँ से प्रस्थान कर गए। एक घंटे के बाद गुरुजी ने प्रश्न करने वाले शिष्य से को बुलाया और उससे शिष्य से पूछा कि उसे जो श्लोक दिया था वो कंठस्थ हुआ कि नहीं, याद हुआ कि नहीं। उस शिष्य ने पूरा श्लोक शुद्ध शुद्ध गुरु को, गुरुजी को जो है कंठस्थ याद करके सुना दिया। इस पर फिर गुरुजी ने सिर नहीं लाया, कुछ नहीं रिप्लाई किया, जवाब नहीं दिया, और नहीं में फिर बाद में सिर लाया। तो शिष्य ने कहा कि वे चाहे तो पुस्तक से देख लें गुरु जी, आप श्लोक बिल्कुल शुद्ध है। ये गुरुजी ने शिष्य का जवाब सुन करके फिर गुरुजी ने पुस्तक देखते हुए कहा, श्लोक तो पुस्तक में ही है तो तुम्हारे दिमाग में कैसे चला गया, मुझे इस बात का बताइए। शिष्य कुछ भी उत्तर नहीं दे पाया गुरुजी के सवाल का। तब गुरुजी ने कहा, पुस्तक में जो श्लोक है वह स्थूल रूप में है, तुमने जब श्लोक पढ़ा, श्लोक जो है तुमने याद किया, कंठस्थ किया, पढ़ा, तो जो श्लोक तुमने पढ़ा वो सूक्ष्म रूप में तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश कर गया। उसी सूक्ष्म रूप में वो तुम्हारे मस्तिष्क में प्रवेश करने के पश्चात घर कर गया और वहीं पे रहता है वो। और जब तुमने इसको पढ़कर कंठस्थ कर लिया, तब भी पुस्तक के अंदर स्थूल रूप में वो श्लोक विद्यमान है, उसके अंदर, पुस्तक में, श्लोक के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आई, वो पुस्तक के अंदर भी विद्यमान है और आपके मस्तिष्क में भी जो है उसने अपना स्थान बना लिया। ठीक इसी प्रकार पूरे विश्व में व्याप्त परमात्मा भगवान हमारे द्वारा भेंट किया गया, चढ़ाया गया, जो भी निवेदन करके, जो भी सूक्ष्म रूप में उसको ग्रहण करते हैं भगवान, जो भी प्रसाद इत्यादि, फल, मेवा, मिष्ठान, जो भी हम लोग भगवान को प्रसाद स्वरूप या भोग स्वरूप चढ़ाते हैं, उसको भगवान भी, परमात्मा भी, देवी देवता जो भी हैं, जिनकी भी हम आराधना करते हैं, जिनको भी हम प्रसाद चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं, वो उसको सूक्ष्म रूप में ग्रहण करते हैं। और इससे स्थूल रूप जो होता है, वास्तविक रूप में, उसमें वस्तु के अंदर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है,
वो जैसा जैसी होती है वैसी की वैसी रहती है, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। वो प्रसाद वो भोग वैसा का वैसा रहता है, और उसमें बदलाव तो वो होता है कि प्रसाद भगवान के चरणों में चढ़ करके, भगवान के प्रमुख चढ़ के, और वो और भी शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसको भगवान ने ग्रहण कर लिया है सूक्ष्म रूप में। तो इस प्रकार से गुरु जी ने जो है अपने शिष्य को बहुत ही बड़े सीधे और सरल प्रकार से इस बात को समझाने की कोशिश की। और जो भगवान आदि जो ग्रहण करते हैं सूक्ष्म रूप में, उसी को हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। हम लोग सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं और सभी को वितरण करते हैं। जब भी जहाँ भी कोई पूजा पाठ प्रवचन जब तक होता है, घर में बाहर कहीं भी जो भी अनुष्ठान होता है, पूजा पाठ होता है, वहाँ सभी जो भी प्रसाद चढ़ता है उसको भगवान के भोग लगने के पश्चात हम लोग सभी ग्रहण करते हैं और सभी को वितरित करते हैं भगवान का प्रसाद। जय श्री कृष्णा। तो मित्रों, कैसी लगी है छोटी सी छोटा सा वृत्तांत, एक छोटे से प्यारे से कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा जय श्री कृष्णा। और यदि वीडियो पे यदि न्यू आते हैं आप या चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, एकदम निःशुल्क है, इसका कोई चार्ज नहीं है। और इसी प्रकार की कुछ ना कुछ जानकारी वाली और भी हम आपको वीडियो ला करके आपके समक्ष हाजिर होते रहेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।